तो भाइयों, कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई फिर से एक बार गेमिंग की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने भाई सबको हिला के रख दिया। जी हाँ गाइज, बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे थे कि भाई ये क्या है, क्या आप हमें खुल के बता सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो बनाते हैं और आप लोग को सही समझाते हैं। तो जी हाँ गाइज, फ्री फायर अब बैन हो चुका है। मतलब अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे इशू थे। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड उससे पहले मेक श्योर, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, लगभग कल परसों की बात है, कल परसों से फ्री फायर के सर्वर्स वगैरह का इशू आ रहा था, ऐसा बताया जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद अचानक से गेम सबसे पहले ऐप स्टोर से गायब हो जाता है। और जो कि मैंने कई आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी भी शेयर की थी। वैसे आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं अभी जैसे कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दी थी कि हाँ फ्री फायर कम्प्लीटली बैन हो चुका है, तो वहाँ पर मैं आप लोग जल्दी से अपडेट कर दूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद, मतलब शाम तक जो है, कल शाम तक फ्री फायर जो है प्ले स्टोर से भी गायब हो गया। और इसके बाद अगर बात की जाए ऐप स्टोर से, फ्री फायर मैक्स भी गायब हो चुका है, बट लेकिन हाँ प्ले स्टोर पर आपको फ्री फायर मैक्स देखने को मिल जाएगा। खैर, अब यहाँ तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। मतलब हम लोगों को भी यही लग रहा था कि हो सकता है फ्री फायर के गेम के सर्वर के कुछ इशू चल रहे होंगे। एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे बता रहे थे कि अभी कोई अपडेट वगैरह आया है फ्री फायर के अंदर। अब क्योंकि मैं फ्री फायर नहीं खेलता, तो मुझे नहीं पता अपडेट आया है कि नहीं, बट सुनने में आया कि कोई अपडेट आया है, एंड अपडेट के दौरान गेम लोगों के क्रैश कर रहे थे, एंड मे बी शायद उस वजह से। अब यहाँ पर दो सोचने वाली बात थी कि क्या अगर मान के चलो गेम के अंदर कोई होता भी है बग या क्रैश हो रहा है या कुछ भी मान के चलते हैं, कोई भी दिक्कत है, लेकिन ये गेम का प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म से हटना, यार मतलब ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही हो। अब जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, आज से एक डेढ़ साल पहले, आई थिंक पता नहीं दो साल हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था, तो पबजी डेवलपर्स ने उसे, पबजी मोबाइल के डेवलपर्स ने काफ़ी कोशिश करी उसे वापस लाने की। तो होता है यार, मतलब जल्दबाजी से जितना हो पाए। तो उस दौरान अगर ये बात लीक हो जाती है ना, तो एक बहुत गंदा असर पड़ता है उस कंपनी के नाम पर। खैर, यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक दो दिन तक हम लोगों को पता ही नहीं चला कि गेम बैन हो चुका है, बट लेकिन हाँ हम लोगों को उल्टी सीधी वही रूमर्स आ रही थी कि भाई हो सकता है गेम के सर्वर्स का कुछ इशू है, दैट्स वाई। बट लेकिन देखो आज क्या होता है, आज मैं कुछ क्रिएटर्स की वीडियो देख रहा था, जैसे सुबह गेमर्स की देख रहा था, तो उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सुनाई थी। अब कॉल रिकॉर्डिंग वैसे कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, बट लेकिन आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट क्या हुआ कि जब कोई यूज़र होगा वो फ्री फायर खेल रहा होगा, तो फ्री फायर चल नहीं रहा था। और फ्री फायर सबसे पहले जो, अब जैसे सर्वर जब बंद होते हैं तो उनके नेटवर्क ऑपरेटर, जैसे हमारा एयरटेल हो गया, जियो, इनको कहा जाता है कि आपको ये सर्वर्स अब रन नहीं कराने हैं अपने इंटरनेट के ज़रिए। तो उस वो जो एयरटेल का यूज़र था, उसने कॉल करा एयरटेल कस्टमर केयर को, बताया कि मेरा गेम नहीं चल रहा है। एंड तब जो सामने से उस रिकॉर्डिंग में सुनने को आया, तो अब ये शायद कल की बात है या आज की, मतलब उसने बताया कि जो फ्री फायर है वो बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब इस पे जब वो बंदा पूछता है कि भाई बाकी सारे जो सिम कार्ड्स हैं या जो इंटरनेट है उनमें तो ये गेम चल रहा है, तब वो उधर से बोलता है कि उनमें भी मे बी शायद ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और यही चीज़ हमें सामने होती हुई दिखाई भी दे रही है कि गेम धीरे धीरे करके सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स के जरिए, मतलब जो सर्वर्स हैं उनके, नहीं प्ले हो रहे, लॉगिन वगैरह नहीं हो पा रहा है। खैर, अब ये तो हो गई बहुत ही नॉर्मल सी बात जो मैं आप लोगों को बताई, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल के आती है वो आती है आज सुबह को निकल के, जिस दौरान आप ये वीडियो देख रहे हो, 14 फरवरी। मतलब इतना अच्छा दिन है, वैसे इस दिन बहुत बुरा भी हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट लेकिन एक और जो सैड न्यूज़ है वो फ्री फायर यूज़र्स के लिए आज के दिन आती हुई। जी हाँ गाइज, एक बार फिर से गवर्नमेंट ने बैन किया है लगभग 44 ऐप्स को, और जिनमें इंक्लूड है फ्री फायर भी। यस भाई साहब, अब ये खबर सुनने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहता है कि अब गेम बैन हो गया है या फिर सर्वर का इशू है। तो मतलब कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि अब गेम जो है वो बैन हो चुका है। अब हाँ, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा कह सकते हो एक पॉइंट है, जो कि क्या परमानेंटली बैन हुआ है। देखो वैसे देखा जाए तो हाँ जी, परमानेंटली बैन हो चुका है, बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने ये सब बैन की लिस्ट दी थी, तो कुछ शायद टाइम भी दिया था उन लोगों को कि उस दौरान अगर वो इन चीज़ों को कुछ फिक्स कर पाते हैं तो ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, तो क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स को तुम लोगों को पता है वैसे चाइना इंडिया की भी बहुत गंदी तकरार चल रही है, तो
मतलब बिल्कुल मतलब तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकते हैं। अब इतना बड़ा गेम है, एक साथ इस तरीके से गेम का चले जाना, क्योंकि हमारे केस में भी यही हुआ था PUBG मोबाइल का, जब इस तरीके से वो बैन हुआ बहुत असर, बहुत ही गंदा असर पड़ा था हमारे क्रिएटर्स पे, हमारे ई स्पोर्ट्स PUBG मोबाइल की ई स्पोर्ट्स की जो कम्युनिटी थी उस पर, तो मतलब ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। बट अब आप लोगों को पता है कि ये डिसीजन जब गवर्नमेंट ने लिया है तो हमें ये डिसीजन तो एक्सेप्ट करना ही होता है, क्योंकि आखिरकार यार देखो हम लोगों को सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना होता है। तो कुल मिलाकर अब फ्री फायर जो है, देखो अभी अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर कर लूं। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा अभी फ्री फायर मैक्स भी लॉन्च हुआ है, तो आई थिंक सो, मेरे को लग रहा है फ्री फायर के डेवलपर्स या उस कंपनी को पता था कि हो सकता है हमारे साथ ऐसा, इसीलिए मे बी उन्होंने जल्दी से फ्री फायर मैक्स को लॉन्च किया, क्योंकि फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर में मुझे कुछ खास अंतर नहीं पता चले जब मैंने लोगों से पूछा। नॉर्मल गेम है बट थोड़ा सा ग्राफिक्स को एनहेंस किया गया है, तो शायद उन लोगों को पहले ही पता था। और रही बात, अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो फ्री फायर में टेंसेंट के भी शेयर्स हैं या हाथ है, और टेंसेंट का नाम तो भाई तुम लोग अच्छे से जानते ही होंगे। खैर अभी पूरी बात तो मैं नहीं कह रहा कि क्यों बैन हुआ है, बट लेकिन हाँ मुद्दा ये है कि गाइज हाँ बैन हो चुका है फ्री फायर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, लेकिन हाँ फ्री फायर मैक्स अभी आपको खेलने के लिए मिल जाएगा, सो आप उसे खेल सकते हैं, एंड वो भी अभी शायद प्ले स्टोर पे ही है। ऐप स्टोर वाले मतलब जिन लोगों के पास में एप्पल की डिवाइसेस हैं, iOS डिवाइसेस, वो आई थिंक सो अभी नहीं खेल सकते हैं। तो गाइज वैसे देखा जाए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। काफ़ी देखो बहुत एक मेरे को पता है यार, एक PUBG मोबाइल या फिर PUBG वर्सेस फ्री फायर चलती रहती है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ना, अब हमारे ना जाने कितने हमारे इंडिया के जो कितने सारे क्रिएटर जो फ्री फायर खेलते थे, अभी उनके लिए थोड़ा सा समझ रहे बहुत बुरा टाइम होगा, क्योंकि इस दौरान वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे अभी उन्हें क्या करना चाहिए एक साथ, क्योंकि जो उनका मेन गेम था वही बैन हो चुका है। ऐसे में अब वो माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हैं, बीच में भी कुछ भी खेल सकते हैं, बट लेकिन कोई बात नहीं। बस मैं यही बोलूँगा कि यार अगर वो क्रिएटर अगर अभी कुछ भी खेलते तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाना बनता है अगर आप उनकी ऑडियंस हैं तो। वैसे मैंने एक चीज़ देखी, फ्री फायर की ऑडियंस जो होती है वो ये ऑलमोस्ट सारे गेम्स देखना पसंद करती है, वरना ना जाने हमारे बीच में वाले क्यों, उनको बस बीच में ही देखना होता है। खैर मजाक कर रहा हूँ गाइज। तो ऑलराइट गाइज, यार आज के लिए एक अपडेट था, मैंने आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। और हाँ गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री फायर के साथ और भी 53 ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं, तो उनकी जो लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं अगर आपका भी कोई फेवरेट ऐप है तो अब वो भी शायद चला गया हो अब शायद, क्योंकि उसके आने के चांसेस मुश्किल हैं। बाकी गाइज अभी क्या होता है गवर्नमेंट और क्या डिसीजन लेती है, आगे क्या होने वाला है उसको हम जरूर देखेंगे। फिलहाल आज कोई गेम प्ले मैंने नहीं डाला, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर थी, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानना था, देन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो ऑलराइट बॉयज, अगर आपको अब ये वीडियो देखो अच्छी लगी, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, चाहे अपने आपके दोस्त फ्री फायर खेलते हैं बीच में खेलते हैं, क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है गेमिंग की कम्युनिटी में, गेमिंग दुनिया में क्या चल रहा है। एंड उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अगर कुछ गलती मैंने गलत शब्द बोले तो उसके लिए माफ़ करना, एंड अगर आप चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ मैं आपके साथ में मीम बहुत अच्छी चीज़ है एंड कुछ अपडेट्स के बारे में बात करता रहता हूँ। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग गाइज, बाय बाय।